नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ताज़ा बड़ी खबर आ रही है भारत और दक्षिण अफ्रीका के चौथे 2020 मैच को लेकर। अगर भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के द्वारा एक बार फिर अच्छी बल्लेबाजी की गई है। दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के स्कोर को सम्मानजनक पहुँचा दिया है। भारत की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई थी, लगातार विकेट गिरने से भारतीय टीम पर दबाव बन गया था। भारतीय टीम ने 14 ओवर में केवल मात्र 16 रन बना रखे थे। उसके बाद दिनेश कार्तिक के द्वारा एक तूफानी बल्लेबाजी की गई। दिनेश कार्तिक ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 2 छक्कों की सहायता से 55 रनों की एक शानदार पारी खेली, जबकि हार्दिक पांड्या ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 3 छक्कों की सहायता से 46 रन बनाई। इससे पहले ईशान किशन ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन बनाए। इसके अलावा भारत का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया और भारतीय टीम ने 20 ओवर खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम को 170 रनों का लक्ष्य दिया गया है। अब भारतीय गेंदबाजों को भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए लगातार विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की टीम पर दबाव बनाना होगा। अगर आज का मैच भारतीय टीम जीत जाती है तो ये सीरीज एक बहुत ही रोमांचक मोड में पहुंच जाएगी। अगर भारत की टीम आज का मैच हार जाती है तो दक्षिण अफ्रीका के नाम ये सीरीज हो जाएगी। अब देखना होगा कि भारत की गेंदबाजी कैसी रहती है।